दोस्तों, हमारे कार्यक्रम का नाम है डू यू नो देम, यानी क्या आप इन्हें जानते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। हम रोजाना इन्हें अपने आसपास देखते हैं और ये हमारे कितने काम आते हैं, लेकिन शायद ही हमने कभी इनके बारे में गंभीरता से सोचा होगा। आज जब इनके बारे में मैं तुमसे बात करूंगी तो तुम इन्हें तुरंत ही पहचान जाओगे और ये भी जानते होगे कि इनमें से बहुतों को हम क्या कहते हैं। आज हम एक बार फिर से इन्हें जाने और पहचाने कि इंग्लिश यानी अंग्रेजी में इन्हें क्या कहा जाता है। तो बच्चों तैयार? अजीम जोहा जी। ये इस तस्वीर को देखकर तुम्हें किसकी याद आ रही है? टीचर। टीचर। अरे वाह, तुम लोग तो बड़े समझदार हो। अच्छा, टीचर हमारे लिए क्या करती है? हम लोग को पढ़ाती है। पढ़ाती हैं, स्कूल जाते हो, वहां पर तुम टीचर से मिलते हो जी, है ना? उनको हम हिंदी में अध्यापिका बोलते हैं जी। बोलते हैं ना जी मैम। अच्छा ये बताओ कि टीचर की स्पेलिंग क्या होती है? TEACHER। अरे वाह, शाबाश। तो हम इसे यहां पर लगा देते हैं, ठीक है जी। टीचर की स्पेलिंग होती है TEACHER, ठीक है जी। अब अगली तस्वीर देखो। अजीम, तुम्हें मालूम था ये? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट को बोलो पेंटर। पेंटर नहीं, तो इसका सही शब्द है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट। आर्टिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ARTIST। अजीम तुम बताओ। ARTIST। बिल्कुल सही। ये ARTIST। अरे वाह जोहा, तुम बोलो ARTIST। दोस्तों आप भी ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम अपनी अगली चित्र की ओर जाते हैं। इस तस्वीर में तुम किसको पहचान रहे हो? गार्डनर। अरे वाह, तुम लोग को तो सब पहले से मालूम है, बड़े समझदार बच्चे हो। गार्डनर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गार्डनर को हम लोग हिंदी में बोलो बगीचा। बगीचा तो वहां पे काम करता है, वहां पे उस जगह को बोला जाता है। गार्डनर को हम हिंदी में बोलते हैं माली। माली। माली, ठीक है। और गार्डनर हमारे क्या काम करता है? पौधे लगाता है। जोहा तुम भी बोलो। पौधे लगाता है। कितनी सारे जो खुशबू वाले फूल होते हैं, है ना, पेड़ पौधे सब लगाता है। बगीचे में कितना काम करता है जी। है ना, तो उससे बगीचा कितना सुंदर लगता है जी। है ना, तो उसे बोलते हैं हम गार्डनर। ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब जल्दी से बता दो कि गार्डनर की स्पेलिंग क्या होती है? GARDENER। गार्डनर, ठीक है जी। अब याद रहेगा जी। बोलोगे तो नहीं? नहीं। अब हमारी अगली तस्वीर है फार्मर। फार्मर, वेरी गुड। फार्मर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खेत वाला। तुम बोलो अजीम। जोहा तुम इसके काफी करीब थी। जो खेत में काम करता है उसे हम बोलते हैं फार्मर, और इसकी हिंदी होती है किसान। है ना जी। किसान होती है ना जी। किसान जो तुम लोग रोटी खाते हो जी। उसके लिए गेहूं कहाँ से आता है? किसान लोग। खेतों में काम करके किसान उसे उगाता है जी। ठीक है, अब फार्मर की स्पेलिंग जल्दी से हमें बता दो। FARMER। वेरी गुड। फार्मर की स्पेलिंग होती है FARMER, ठीक है जी। फार्मर। अभी हमारी अगली तस्वीर है किसकी? चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये है लोहार। लोहार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोहार को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ, है ना। ब्लैकस्मिथ हमारे कितने काम आते हैं? लोहे का काम करते हैं। लोहे के कितने सामान बनाते हैं? लोहे को आग में बनाया जाता है और उसको एक आकार दिया जाता है, उसको एक शेप दिया जाता है जी। है ना जी। जैसे मकान है, फर्नीचर है, हर जगह पे लोहे का काम होता है जी। है ना जी।
तो ये है ब्लैकस्मिथ। ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ की स्पेलिंग बताओ। बी एल ए सी के एस एम आई टी एच। एस एम आई टी एच, हाँ, ब्लैकस्मिथ की स्पेलिंग होती है बी एल ए सी के एस एम आई टी एच। अब भूलोगे तो नहीं, याद रहेगा जी, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। अब ये हमारा अगला चित्र गोल्डस्मिथ। अरे वाह अजीम, गोल्डस्मिथ को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो लोहे का काम, जो लोहे का काम करता है वो तो ब्लैकस्मिथ हो गया। जो देखो इसके आसपास सोना है, सोने का काम करता है, सुनार, सुनार है ना जी। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल्डस्मिथ। अच्छा आप गोल्डस्मिथ की स्पेलिंग बताओ। जी ओ एल डी एस एम आई टी एच। वेरी गुड, गोल्डस्मिथ की स्पेलिंग होती है जी ओ एल डी एस एम आई टी एच। अब हमारी अगली चित्र में कौन है? कॉबलर। कॉबलर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो इसके सामने आसपास क्या रखा है, चप्पल जूते रखे हैं ना जी। तो क्या बोलते हैं हम इसे? मोची। मोची, मोची, शाबाश, मोची होता है कॉबलर। कॉबलर हमारे लिए जो जूते बनाता है, और जब हमारे जूते खराब हो जाते हैं कुछ उसमें से टूट जाता है। हाँ क्या बोल रही थी तुम? जब टूट जाता है। हाँ जब टूट जाता है तो उसको कौन ठीक करता है? कॉबलर। कॉबलर, वेरी गुड। कॉबलर की स्पेलिंग बताओ। सी ओ बी बी एल ई आर। हाँ कॉबलर की स्पेलिंग होती है सी ओ बी बी एल ई आर। सी ओ बी बी एल ई आर होता है कॉबलर। तुम बताओ जोहा। सी ओ बी बी एल ई आर कॉबलर। अब हमारी अगली तस्वीर की तरफ हम देखते हैं। पॉटर। पॉटर। तुम बोलो। पॉटर। पॉटर। पॉटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कुम्हार। कुम्हार है ना जी। ठीक है, अब पॉटर की स्पेलिंग बताओ, और ये बताओ कि पॉटर हमारे लिए क्या करता है? पी ओ टी टी ई आर पॉटर। पॉटर हमारे लिए मिट्टियों का कुल्हड़ बनाते हैं। कुल्हड़ बनाते हैं जो तुम लोग देखते हो ना बाजार में, सुराही, मटके है ना, और मिट्टी के बर्तन होते हैं जी, है ना जी। वो हमारे लिए कौन बनाता है? पॉटर। पॉटर। पॉटर, वेरी गुड। और पॉटर की स्पेलिंग तुम लोगों ने क्या बताया? पी ओ टी टी ई आर। हाँ पॉटर की स्पेलिंग होती है पी ओ टी टी ई आर पॉटर। पॉटर, वेरी गुड। अब अगली तस्वीर जल्दी से देखो। मिल्कमैन। मिल्कमैन, अरे यार तुम लोग तो पहले से इतने समझदार हो, है ना जी। कितने समझदार हो तुम लोग। अच्छा मिल्कमैन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दूध वाला। दूध वाला घर में जो है तुम लोग के लिए दूध लाता है जी, है ना जी। और कितनी मेहनत करता है जी, है ना, उसको हम बोलते हैं मिल्कमैन। मिल्कमैन की स्पेलिंग क्या होती है? एम आई एल के एम ए एन मिल्कमैन। हाँ तुम बोलो। एम आई एल के मिल्क एम ए एन मैन। वेरी गुड, मिल्कमैन की स्पेलिंग होती है एम आई एल के एम ए एन मैन। मैन, एम आई एल के एम ए एन मिल्कमैन। मिल्कमैन, ओके। अब अगली तस्वीर हमें क्या दिखाती है? वॉशरमैन। वॉशरमैन का काम क्या होता है? जो हम लोगों के लिए कपड़े धोते हैं। जो हमारे लिए कपड़े धोते हैं उनको हम बोलते हैं वॉशरमैन। और वॉशरमैन की हिंदी क्या होती है? धोबी। धोबी है ना जी। वॉशरमैन की स्पेलिंग बताओ। डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन मैन। वॉशरमैन। वॉशरमैन, वेरी गुड। वॉशरमैन की स्पेलिंग होती है डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन वॉशरमैन। अब अगली तस्वीर देखो। कुली। कुली। कुली एक ऐसा शब्द है जिसे हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में भी कुली बोलते हैं, ठीक है जी। तो कुली की स्पेलिंग क्या होती है? सी ओ एल ई वाई। नहीं, तुम बताओ जोहा। के ओ एल ई वाई। नहीं,
ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग को नहीं मालूम है तो मैं ही बता देती हूँ। कुली की स्पेलिंग होती है COLCOOLIE। हाँ देखो, मैंने गलती की तो तुमने एकदम से मुझे करेक्ट किया ना, तुमने मुझे एकदम से सही किया और तुम्हें पता चल गया कि कुली की स्पेलिंग क्या होती है जी। है ना, कुली की स्पेलिंग होती है COOLIE, कुली। ठीक है, कुली हमारे लिए क्या काम करता है? वो हम लोग का सामान ले जाता है। कहाँ ले जाता है? स्टेशन पर, जब हम लोग ज्यादा सामान होता है तो हम लोग के मदद करता है। हाँ शाबाश, जब हमारे पास बहुत ज्यादा सामान होता है ना, तो जो है कौन हमारी मदद करता है उस समय? कुली। कुली हमारी मदद करता है क्योंकि उसका ये रोजगार होता है, ही इज एम्प्लॉयड फॉर दैट, है ना, ये उसका रोजगार होता है, तो कुली हमारी उस समय मदद करता है। और कुली की स्पेलिंग होती है COOLIE, कुली। ठीक है, अब हम यहां हमारी स्वीपरमैन, वेरी गुड, स्वीपर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? जो बाहर के गंदगी साफ करता है, झाड़ू लगाता है, झाड़ू लगाता है, उसके लिए एक शब्द होता है ना, उसके लिए एक शब्द होता है जी, क्या बोलते हैं हम उसे? सफाई कर्मचारी। क्या बोलते हैं? सफाई कर्मचारी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्वीपर मैन नहीं, सिर्फ स्वीपर। वन हु स्वीप्स इज स्वीपर, जो सफाई करता है उसे स्वीपर बोलते हैं। और स्वीपर की स्पेलिंग क्या होती है? SWEEPER। नहीं, तुम बताओ जोहा। SWEEPER। स्वीपर की स्पेलिंग होती है ये SWEEPER, स्वीपर। अब फिर से बोलो। SWEEPER, स्वीपर। SWEEPER, स्वीपर। जो सफाई करता है उसे हम स्वीपर बोलते हैं। हमें इनकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, है ना, क्योंकि हम कभी कभी इतनी सारे गंदगी फैला देते हैं सड़क पे, कोई भी कहीं भी फेंक के चला जाता है, तो उसको सफाई कौन करता है? स्वीपर। स्वीपर उसकी सफाई करता है। ठीक है, और उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? सफाई कर्मचारी। दोस्तों, आज हमने इतने हेल्पर्स के बारे में जाना, अगले प्रोग्राम में हम और कई लोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज आपने जो जाना उसको स्पेलिंग के साथ अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, इस तरह कि आप कभी ना भूलें। तो मिलते हैं डू यू नो देम के अगले भाग